भारत के साथ सीमा विवाद के बीच चीन ने एक बड़ी चाल चली है। चीन ने अचानक पूर्व नौसेना प्रमुख डोंग जून को देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त कर दिया है, और वो भी तब जब पिछले कुछ महीनों से चीन के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ली शांगफू गायब चल रहे हैं। और तो और चीन के पूर्व विदेश मंत्री किम गैंग की मौत को लेकर भी चीन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कुछ महीनों पहले पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ली शांगफू गायब हो गए थे, वो भी ठीक पूर्व विदेश मंत्री किम गैंग की तरह ही रातों रात गायब हो गए। हालांकि किम गैंग की अचानक मौत से कई तरह के सवाल भी खड़े हुए, लेकिन अब जो चीन ने कदम उठाया है इसके पीछे भी उसकी भयानक चाल बताई जा रही है। चीन का कहना है कि डोंग की नियुक्ति अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के चीन के प्रयासों और विशेष रूप से ताइवान के साथ बढ़े हुए सैन्य तनाव के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये कदम चीन को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की राष्ट्रपति शी जिनपिंग की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में सामने आया है। रक्षा मंत्री के रूप में डोंग जून मीडिया और अन्य सशस्त्र बलों के साथ जुड़कर पीएलए के सार्वजनिक चेहरे के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चीन का कहना है कि वो पहले दक्षिणी सैन्य कमान के डिप्टी कमांडर थे। ये कमान दक्षिण चीन सागर को संभालती है, जहां चीन का ताइवान सहित अन्य देशों के साथ क्षेत्रीय विवाद चल रहा है। डोंग जून को अगस्त 2021 में नौसेना का कमांडर नियुक्त किया गया था। बाद में हु जोंग मिंग ने उनकी जगह ली थी। एएफपी की एक रिपोर्ट के अनुसार 62 वर्षीय डोंग का रक्षा मंत्री पद पर प्रमोशन आश्चर्यचकित करता है। पीएलए के नौसेना प्रमुख बनने से पहले डोंग को 2021 में फुल जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था। लेकिन बड़ा सवाल अभी यही है कि मार्च में रक्षा मंत्री का पद संभालने वाले ली शांगफू को अगस्त के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया, और ऐसे में चीन की तरफ से नए रक्षा मंत्री की घोषणा उसकी किसी बड़ी चाल को समझाता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ली को आखिरी बार बीजिंग में चीन अफ्रीका फोरम को संबोधित करते हुए देखा गया था। बीजिंग ने अक्टूबर में ली से रक्षा मंत्री और स्टेट काउंसलर का पद छीन लिया था। रॉयटर्स के मुताबिक ली शांगफू के खिलाफ रक्षा उपकरण खरीद से संबंधित भ्रष्टाचार की जांच चल रही थी। शी जिनपिंग ने ली शांगफू से पहले विदेश मंत्री किम गैंग को अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था, जिसके बाद वो रातों रात गायब हो गए थे, और अब कुछ समय पहले उनकी मौत की खबर भी सामने आई थी। और पिछले कई समय से ली शांगफू भी गायब चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके गायब होने को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे। लोगों का डर है कि कहीं उनकी भी मौत किम गैंग की तरह रहस्यमय तरीके से ना हो जाए। खैर, चीन की तरफ से नए रक्षा मंत्री की घोषणा कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। खैर, चीन के इस कदम पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।